नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। ललितपुर जिला चिकित्सालय से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल को बाहर खुले में फेंका जा रहा है। अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल दे रहा है बड़ी बीमारियों को न्योता। इको फ्रेंडली गार्डन बना शराबियों का अड्डा। ब्लड सैंपल करने वाले निकाल रहे हैं बिना ग्लव्स लगाए ब्लड। जिला चिकित्सालय के सफाई कर्मचारी कर रहे हैं चिकित्सक की गाड़ी को साफ। बता दें, ललितपुर के जिला अस्पताल के प्रांगण में बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल, इंजेक्शन उपयोग किए हुए ग्लव्स, रुई पट्टियां, दवाइयां हर कोने में देखने को मिल जाएंगे, जो दे रहा है बड़ी बीमारी को निमंत्रण, क्योंकि सफाई कर्मचारी लगे हुए चिकित्सक की लग्जरी गाड़ियों को साफ करने में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं सरकार के द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन ललितपुर के जिला अस्पताल में खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल हर एक कोने में देखने को मिल जाएगा। वहीं शासन के द्वारा लाखों रुपए लगाकर जिला अस्पताल के प्रांगण में इको फ्रेंडली गार्डन बनाया गया था, लेकिन गार्डन बना हुआ है शराबियों का अड्डा। जगह जगह देखने को मिल रहा है शराब की बोतल, गिलास और शराब के पाउच। वहीं जिला महिला चिकित्सालय में ब्लड की जांच कराने आए मरीज का सैंपल लेने वाले कर्मचारी नहीं कर रहे हैं ग्लव्स का प्रयोग। आखिर क्यों नहीं लगाम लग पा रही है कर्मचारियों पर? जिला अस्पताल के संबंधित आला अधिकारी आखिर क्यों मौन है? आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाहियां जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है? जिला चिकित्सालय में ही मौजूद आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक रूम के बगल से ही बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल डाला जा रहा है, जिस पर अन्ना जानवर भी आ जाते हैं, उनको भी हो सकता है बड़ा नुकसान। जिला चिकित्सालय के आला अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह लापरवाही जिला चिकित्सालय की ओर से होती रही तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें जिला चिकित्सालय में यूज किए जाने वाले स्टेंज ग्लव्स, कॉटन, आईवी सेट आदि और भी सामग्री खुले में फेंक दी जाती है, जबकि इन सबको इस तरीके से खुले में नहीं फेंका जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद क्या जिला चिकित्सालय प्रशासन जागता है या फिर गहरी नींद में इसी तरह सोता रहेगा। जिला अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल में जहाँ पर खुले में सीरीज वगैरह, सुई और दवाइयाँ, ग्लव्स वगैरह डले हुए हैं, इस संबंध में आप क्या कह रहे हैं? हाँ, अभी हम भी यहाँ पर देखे, बहुत मतलब कूड़ा था और हम अपने कर्मचारी के माध्यम से इसको हटवाना चाह रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर नज़दीक जाकर के देखते हैं तो ओपन में सिरिंज और ग्लव्स एवं मेडिकल वेस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। और हमने अपने कर्मचारी को वहाँ पर सफाई के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर इस तरह के शीशे और सिरिंज हैं जिससे चुभ जाएगा और एक मतलब उनको हानि भी पहुँच सकती है, इंजरी भी हो सकती है, इस वजह से उन्होंने करने से मना कर दिया है। इस संबंध में CMS महोदय को हम अवगत करा देंगे कि इसको अपने स्तर से ये ब्लैक स्पॉट एकदम पूरी तरह से है, हेजार्डस है और मेडिकल वेस्ट है, उसको अपने स्तर से डिस्पोज आप कराएं। बायोमेडिकल वेस्ट मटेरियल आपके परिषद के जगह जगह जहां पर देखने को मिल रहा है, और वहीं पर इको गार्डन की बात करें तो इको गार्डन में शराब डली हुई, बोतल डली हुई, पाउच डले हुए हैं, और वहीं पर क्या कहना है इस बारे? देखिए, ये जो है बायोमेडिकल वेस्ट, उसको जो उनको बोल दिया है जो सफाई कर्मचारी हैं कि उनको हिदायत भी दे दी है इस चीज़ में, और इस पर काफ़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पर कि इस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट इस तरह से ना डालें। और जो वहाँ का भी जो संस्था है जिससे सुपरवाइज़र वगैरह लिए गए थे सफाई कर्मचारी, उनको भी लिखा जाएगा। और जो बाहर के जो हर्बल गार्डन बना हुआ है उसमें भी सफाई कर दी जाएगी और इस पर ध्यान दिया जाएगा, नियमित रूप से इसका निरीक्षण किया जाएगा कि ये जिस तरह से मेंटेन किया जाएगा पूरा। और बात जो शराब वगैरह की है, ये लोग बाहर के जो अतिक्रमण हो रहा है वहाँ के लोग हैं वो रात को बैठ के यहाँ पर पीते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें गेट से उतर के या कैसे भी वो वहाँ पर उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि सफाई का है तो वो सफाई कर्मचारियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि वो इस चीज़ को बना के रखें, इसकी सफाई करें। वहीं पर ब्लड सैंपल की बात करें तो बिना किसी ग्लव्स के ब्लड निकाला जा रहा है, सैंपल निकाला जा रहा है, इस संबंध में क्या कहते हैं? वो असल में यहाँ पर जो आया था ट्रेनी है, उसको जब देखा गया तो उसने इस बात को माना कि ये गलत है, क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें पेशेंट के लिए भी और खुद के लिए भी है, और उसको कड़ी चेतावनी दे दी है इस चीज़ के लिए। और वहाँ के जो लैब टेक्नीशियन है उनको भी कहा है कि इस तरह के जो हो रहे हैं उस पर निगरानी की जाए और वो हमें उसमें बताया जाए उसके बारे में। संबंधित सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं चिकित्सक की गाड़ी को साफ कर रहे हैं, क्या इस बारे में क्या बताएंगे? वो तो खैर हमने
देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने शायद सफाई करके करने के बाद वो अपने आप ही करने लग गए थे चिकित्सक की गाड़ी साफ, तो बाकी उनको बोल दिया गया है। सर बायोमेडिकल जो बेस्ट मटेरियल है आपके जिला परिषद के जगह जगह जहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वहीं पर इको गार्डन की बात करें तो जहाँ पर शराब की बोतल, पाउच और ग्लास जैसे कि कई दिनों से साफ नहीं किए हैं, तो क्या कहना है सर? देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए अलग अलग ट्रॉली बनाई गई हैं, और बायोमेडिकल सेग्रीगेशन के लिए एक पॉइंट है, वहाँ पर बायोमेडिकल डाला के वेस्ट को रखा जाता है और वहाँ से गाड़ी आती है बायोमेडिकल वेस्ट को रिसीव करने के लिए, वो लेके जाती है समय समय पर, वहीं पर डाला जाता है। और अगर कहीं अगर उस फैला हुआ मिल रहा है या कहीं मिल रहा है तो उसकी हम लोग शरीर निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई करेंगे, अगर जो भी कोई बाहर डाल दे रहा है। हालांकि उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के तहत जो है जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं, जितने हमारे कर्मचारी हैं, सबको ट्रेंड किया जाता है कि बायोमेडिकल डिस्पोजल कैसे किया जाता है। वहीं पर इको गार्डन, इको गार्डन मतलब जो हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ रखा जाता है वो इको गार्डन, वहाँ पर शराब की कई बोतलें पड़ी हुई हैं, उसको तभी आपके माध्यम से घास, 3-3 फुट की घास है सर, आपके माध्यम से ये हमको अभी संज्ञान में आया है, इस पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी, इससे साफ सफाई करा ली जाएगी। और स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, उसके तहत हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है, और एक हफ्ते में हम लोग पूरे मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है उसके कैंपस को बिल्कुल स्वच्छ करा लिया जाएगा, और प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम उस पर आयोजित होगा, इसमें मीडिया को भी आयोजित बुलाएंगे कि वो आकर के हमारे साफ सफाई के कार्यक्रम को कवर करें। वहीं पर ब्लड बैंक की, ब्लड सैंपल की बात करें तो बिना किसी ग्लव्स के जहाँ पर ब्लड निकाला जा रहा है, इस संबंध में क्या कहना? बिना किसी ग्लव उसके तो ब्लड सैंपल नहीं निकालना चाहिए, ट्रेनिंग कोई ऐसा कर रहा होगा उस पर भी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी के थ्रू इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि मरीजों के मतलब ब्लड सैंपलिंग और सारी के लिए जो भी साफ सफाई है या जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं उन सबको लेकर के ही किया जाए। क्या नाम है आपका, किस पद? मैं डॉक्टर वी डी पांडे, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज का मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता हूँ।